गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 5 बजे। और भाई यहाँ जब जल्दी उठ के जो है हमें बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले लाइट मिल तो सबसे पहले लगा दी है यहाँ पे हमने मशीन। और टाइम देख लो 5 बज रहे हैं। और ड्रेस वगैरह सब चीज़ें निकाल दी हैं यहाँ पे बच्चों की, यानी इतनी जल्दी जल्दी हम काम कर रहे हैं। और चूल्हे वगैरह पे तो खाना बनाना ही नहीं है, आज सारा खाना बनेगा गैस पर। इतना सारा ताम जाम जोड़ के रख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया और वहाँ पे बना दी थोड़ी सी चाय। और भाई आज बनाना है हमें बहुत सारा खाना। और खाना क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो तो आप आगे लोग देखते रहोगे तभी पता चलेगा। और यहाँ पर जो है हमें आलू वगैरह सब कुछ इतने सारे उबाल के रख दिए थे 2 कुकर भर के। और भाई अब लगाऊंगी मैं आटा। साथ के साथ यहाँ पे कर दी है छोक की तैयारी। तो भाई जैसे हम बनाते रहेंगे ऐसे ही मैं आपको दिखाती रहूँगी। बच्चे मेरा सब सो रहे हैं तो भाई पहले फटाफट एक आटा लगा लेगी और एक सब्जी में तड़का लगा देगी जब तक दूध गर्म हो रहा है। तो भाई करते रहेंगे काम और आपको दिखाते रहेंगे साथ के साथ। तो भाई एक भगोना भर के तो ये बना दी सब्जी। बनाई तो क्या, अभी तो तड़का लगाया है, उबले हुए आलू हैं तो जल्दी बन जाएगी। और बचे हुए आलू ये रही, यानी 2 भगोने बन गए थे, सब्जी बनेगी। और एक बार आटा इतना सारा मैंने लगा दिया है और लगाऊंगी इतना सारा ही एक बार और। और चावल रख देंगे बाहर हारी में बनने के लिए। तो भाई उससे पहले चाय पी लेते हैं, जो चाय बना के रख रखी है। यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है सब्जी, एक इसमें है और एक कढ़ाई में है। और आटा भी लगा दिया मैंने 2 जगह। सबसे पहले बच्चों का लंच पैक कर दूँगी बना के खाना, और उसके बाद जो है कपड़े वगैरह धो के फिर फटाफट खाना बना के देना है हमें। और ये खाना कहाँ जाएगा वो बताऊँगी मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो भाई सब्जी तो बन गई थी और यहाँ पे चढ़ा दिए 2 फ्राई पैन भर के चाय। और ये छानूंगी डिब्बे में और दिखाऊँगी पूरी भर के जाएगी चाय के लिए। तो लो भैया बना दी चाय और इसमें लेके जाएगा मनोज का पापा। इसमें साथ के साथ मीठा भी चेक कर लिया मैंने। तो भाई यहाँ पे बच्चे तो गए स्कूल और अब टाइम हो रहा है सुबह के 8। अब जाएंगे नक्श के पापा। मैं तो बोल रही थी छुट्टी के लिए कि भाई आज धान लग रहे हैं तो भाई छुट्टी कर लो, पर माँ ने नहीं, कह रहे नहीं मैं जाऊँगा, काम है ऑफिस में बहुत सारा। और इसके अलावा भाई बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले कपड़े धो दिए, क्योंकि लाइट जो है हमारे यहाँ पर पेड़ वगैरह कट रहे हैं तो जिसकी वजह से सुबह से शाम तक जो है लाइट कट रहती है। और अब बच्चों के लिए तो मैंने रोटी बनाई थी और बचे हुए फैमिली मेम्बर्स के लिए जो रोटी खाएंगे उनके लिए रोटी बना के रख दूंगी इसमें। और जो है जो भी भाई इतना सारा खाना जो हमने बनाए वो हमारे धान लगेंगे, इसलिए जो लेबर वगैरह के लिए बनाए इतना सारा खाना। और चाय तो चली गई है और बाकी जब जाएगा खाना चावल रख दिए हारी में बनने के लिए और बाकी के लिए बनाएंगे हम पूरी। तो सबसे पहले जो है इनके पापा के लिए और माजी वगैरह के लिए बना देती हूँ रोटी, और उसके बाद कपड़े वगैरह का काम करके अपने घर की क्लीनिंग करके फिर जाएंगे खेत में न्यार लेने के लिए। तो भाई लगते हैं फटाफट काम में। और भाई इसमें बना दिया है चावल हारी में और ज्वार वगैरह हम सब चीज़ ले आए। कपड़ा भी धो दिया, बर्तन धो दिया और साथ में झाड़ू लगा दी। अब खाना बनाने का काम रहेगा, साथ में कपड़ा जो धोया था वही सुखाने का काम है। और भाई अब रह गया सिर्फ पोछा लगाना, अरे को काम है बैडान को। तो भाई बना दी देख लो हमने कितने सारी पूरी और इतना सारा आटा रखा, 2 कढ़ाई चढ़ा रखी, एक भी ना देख लो 2 कढ़ाई में काम करा जा रहा है जब जाके बनेगी पूरी। और ये बाल्टी रखी, इस बाल्टी में जाएगी भर के अभी। तो भैया अब हो गए हम बिल्कुल फ्री और फ्री होने में बच गए हमें 12, क्योंकि उसके बाद खाना बनाने के बाद करी सारे घर की क्लीनिंग, कपड़े वगैरह भी अभी सुखाए हैं और अब हम खाना खा रहे हैं। और आज तो नक्श की और नक्श की मम्मी की जी किसी होगी पूरी मिली आज दोनों ने, दोनों की फेवरेट है। और खाने का आइटम देख लो कितना सारा है। तो भाई करते हैं पेट पूजा और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जो बज रहे हैं शाम के 4 और हम कर रहे हैं इधर पढ़ाई, और ये बैठा है इधर चाची से समझ रहा है सम, और ये चला रहा है अपनी साइकिल, और इसने अभी अपना काम भी पूरा नहीं करा आज। इधर
तो भाई अभी चाची धो रही इधर कपड़े चाचा के, क्योंकि चाचा ने लगवाए धान वगैरह ना, जैसे वो लेबर थी, और पापा भी गए उनको छोड़ने के लिए, वो उधर चाची से धो रही कपड़े। चाची जो चाचा ने आपके लिए पार्सल मंगाया था वो आ गया, उसे लिए अनबॉक्स कर देना। मैंने मंगवाया हो? हाँ। क्या कर रहा था? चल लिया। अरे आज तो मेरी अभी कुछ आया हो तो मौज आ गई। चलो दे दो। ये रहा। मैंने ये रहा। हाँ। दो क्या चीज़ ही होगा चाची मेरे पास? रो चल भैया, तो मेरे लिए तो ऐसा लगता है कुछ सैंडल वैंडल होंगे, है ना? ये आराम से बेटा, आराम से निकालो। देखा क्या सैंडल मेरे लिए? इधर चाचा के प्रैंक। नहीं गए तुम्हारे पास? चले चाची, चाचा ने मंगवाया है। जाएंगे चाची के भी ध्यान लेने जाते हैं। हां अंदर एक सैंडल होगा ना? तो भाई यहाँ पे चलो इसकी एक्टिविटी की तैयारी, जितनी एक्टिविटी बना रहा है इतनी इन दोनों में लड़ाई हो रही है माँ बेटे में। ये आज पहली बार नहीं हो रहा, जब जब इसका काम होता है कुछ ऐसा है तो ये चिल्लाता जाता है, तो इसकी मम्मी इसको डोज दे देती है। फिर लगा देना एक शांत सो हो जाओ। ला रही हूँ। तो भाई यहाँ पे खाना वगैरह सबने खा लिया है, बस अब मैं दीदी बच रहे हैं और टाइम ज़्यादा भी नहीं हुआ है, लाइक वो दिन भी सही ढंग से नहीं छिपा है। टाइम हो रहा है शाम के 7:30। और भाई खाना, तो भाई आज तो काम कर करके इतनी ज़्यादा रील बन चुकी है कि भाई थक चुका है और मन भी नहीं कर रहा आज तो भाई बाहर घूम के आना। पर थोड़ी देर सोच रहे हैं कि काम तो निमट गया, जल्दी सबसे सबने खाना खा लिया तो थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं। तो भाई इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।